भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जनक व कांग्रेस की गर्मपंथी विचारधारा के प्रबल समर्थक बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी जिले के चिकल गांव में हुआ था। तिलक के पिता का नाम गंगाधर रामचंद्र पंत व माता का नाम पार्वती बाई था। तिलक के पिता रत्नागिरी में एक विद्यालय में अध्यापक थे। तिलक को बचपन से ही कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। तिलक के दादाजी अक्सर उन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नानक साहब इत्यादि की कहानियां सुनाते। इन कहानियों ने तिलक में बचपन से ही क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। वर्ष 1861 में तिलक को प्रारंभिक शिक्षा हेतु रत्नागिरी की मराठी पाठशाला में भेजा गया। वर्ष 1866 में तिलक के पिता का तबादला पूना होने के कारण वे भी परिवार के साथ पूना आ गए। पूना में आगे की पढ़ाई के लिए तिलक को एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल में भेजा गया। 10 साल की छोटी उम्र में ही इनकी मां की मृत्यु हो गई और तिलक के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी चाची के हाथ में आ गई। तिलक बचपन से ही साहसी, निडर व महत्वाकांक्षी थे। एक बार उनके एक मित्र ने उनसे कहा, तिलक तुम हमेशा गणित के कठिन सवालों को ही क्यों हल करते हो? अगर तुम सरल सवालों को हल करोगे तो तुम्हें परीक्षा में ज्यादा अंक मिलेंगे। इस पर तिलक ने कहा, मैं ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता हूँ, अतः कठिन सवालों को हल करता हूँ। कुछ नया सीखने के लिए यह आवश्यक है और यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर हम हमेशा सरल सवाल व साधारण कार्यों की तलाश में रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 15 वर्ष की आयु में तिलक का बाल विवाह 10 वर्ष की तापी से करा दिया गया। शादी के बाद तापी का नाम बदलकर सत्यभामा कर दिया गया तथा शादी के कुछ समय बाद वह आगे की पढ़ाई पूरी करने अपने माता पिता के घर वापस आ गई। शादी के कुछ महीनों बाद तिलक के पिता की भी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद तिलक की सारी जिम्मेदारी उनके चाचा चाची के हाथों में आ गई। 1872 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद तिलक ने दक्कन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1876 में तिलक ने बीए प्रथम श्रेणी से पास करने के बाद एलएलबी किया। तिलक बहुत स्पष्टवादी थे, जो उनके मन में था वही उनकी जुबा पर, इसलिए उनके साथी उन्हें मिस्टर ब्लंट भी कहते थे और कुछ उनकी शारीरिक हष्ट पुष्टता के कारण उन्हें मिस्टर डेविल भी कहते थे। कॉलेज में तिलक की मुलाकात गोपाल आगरकर से हुई। आगरकर व तिलक ने देश सेवा हेतु ताउम्र सरकारी नौकरी न करने का प्रण लिया। तिलक उस समय डबल ग्रेजुएट थे। अगर वे चाहते तो उन्हें आसानी से सरकारी नौकरी मिल सकती थी। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया। वे ब्रिटिशों द्वारा दी जा रही पक्षपात पूर्ण शिक्षा से अच्छी तरह परिचित थे। वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद आगरकर व तिलक पूरी तरह से देश सेवा में उतर गए। जनवरी 1880 में तिलक ने चिपलूड़कर व एमबी नाम जोशी के सहयोग से एक प्राइवेट स्कूल न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। यद्यपि चिपलूड़कर व तिलक दोनों ही धार्मिक थे, लेकिन स्कूल के पाठ्यक्रम में कोई भी धार्मिक विषय शामिल नहीं किया गया। इस स्कूल ने पूना की सांस्कृतिक व राजनैतिक परिस्थितियों में एक नया इतिहास रचा। सर विलियम हंटर ने न्यू इंग्लिश स्कूल की शिक्षा प्रणाली से प्रभावित होकर कहा था, इस विद्यालय की प्रगति अतुलनीय है। पूरे भारत में इस स्कूल की बराबरी करने वाला कोई स्कूल मेरी नजर में नहीं है। वर्ष 1881 में तिलक ने अपने साथियों चिपलूड़कर, नाम जोशी व आगरकर के साथ समाचार पत्र निकालने का विचार किया। उन्होंने आर्यभूषण प्रेस को खरीद लिया और दो समाचार पत्रों केसरी मराठी भाषा में व मराठा अंग्रेजी भाषा में निकालने का निर्णय लिया। केसरी के संपादन का कार्य तिलक व मराठा के संपादन का कार्य आगरकर द्वारा किया गया। आजादी की लड़ाई के दौर में प्रेस की आजादी के सवाल को लेकर सबसे ज्यादा जुझारू संघर्ष तिलक ने ही किया था। 27 नवंबर 1881 को मराठा पत्रिका में कोल्हापुर युवराज शिवाजी राम को हैमलेट व राज्य के दीवान राव बहादुर को क्लोडियस कहते हुए एक लेख लिखा गया, जिसमें कहा गया कि युवराज के संरक्षक उसे पागल कर गद्दी हड़पना चाहते हैं।
इस समाचार के छपते ही राव बहादुर ने मराठा पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया। तिलक व आगरकर को 4 महीने की सजा सुनाई गई। वर्ष 1882 में चिपलूड़कर की मृत्यु के पश्चात कॉलेज समिति में मतभेद उभर कर सामने आने लगे। समिति के कई सदस्य केसरी व मराठा को एक बाधा के रूप में देखते थे, जो तिलक को बिल्कुल गवारा ना था। तिलक का मत था कि शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा लिखी गई पुस्तक की आय पर समिति का अधिकार हो, किंतु गोखले और आगरकर इसके पक्ष में नहीं थे। समिति द्वारा निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों से विक्षुब्ध होकर तिलक ने समिति से इस्तीफा दे दिया। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से मतभेद के कारण तिलक उससे पूरी तरह अलग हो गए। आगरकर ने भी केसरी का संपादन बंद कर दिया। अतः 1888 में तिलक ने खुद दोनों पत्रों का संपादन संभाला और उनके जरिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा करना शुरू कर दिया। तिलक एक निडर, साहसी और बेलाग बोलने वाले पत्रकार थे, जिनकी भाषा स्पष्ट, सरल और सीधी चोट करने वाली थी। कोल्हापुर केस के कारण तिलक पर 7,000 रुपये का ऋण था। अतः आय के लिए तिलक ने लाठूर में रुई ओटने का एक कारखाना खोला। वर्ष 1893 में तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार करने हेतु गणपति महोत्सव की शुरुआत की। 10 दिनों तक चलने वाले गणपति महोत्सव में गीतों, भाषणों व अन्य तरीकों से उन्होंने लोगों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी। इसके बाद में 1896 में शिवाजी जयंती पर मनाए जाने वाले समारोहों का भी उन्होंने इसी तरह प्रयोग किया। इसी साल उन्होंने कपड़े पर लगे उत्पाद शुल्क के विरोध में सारे महाराष्ट्र में विदेशी वस्त्र बहिष्कार आंदोलन चलाया। शायद वह पहले राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने इस तथ्य को पहचाना कि राष्ट्रवादी आंदोलन में निम्न मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर व दस्तकार कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और इसलिए इन लोगों को भी कांग्रेस के साथ जोड़ा जाना चाहिए। 1893 में बंबई व पूना सहित कई राज्यों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। सरकार अपनी फूट डालो शासन करो की नीति के तहत हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर इनके बीच आपसी मतभेदों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। 15 अगस्त 1893 में तिलक ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लिखा। सरकार से लगातार प्रोत्साहन मिलने के कारण मुस्लिमों ने आक्रामक व्यवहार अपना लिया है, जिसका कारण सिर्फ इतना है कि ब्रिटिश स्वयं को मुस्लिमों का संरक्षक कहते हैं। दोनों जातियों के शिक्षित नेताओं में कोई वास्तविक झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो अशिक्षित अनपढ़ों के बीच में है। यदि ऐसे लोगों को काबू में रखना है तो सरकार को किसी एक का पक्ष लेने की नीति छोड़नी होगी। यदि सरकार निष्पक्षता की नीति नहीं अपनाएगी तो हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा, जैसे बंबई में किया गया था। तिलक के इन लेखों व भाषणों को आधार बनाकर कई ब्रिटिश अधिकारियों ने मुस्लिमों को तिलक के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। तिलक को मुस्लिम विरोधी कहा जाने लगा। सर वैलेंटाइन शिरोल ने तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा। शिरोल ने लिखा, 1893 में बंबई में बहुत बड़ा दंगा हुआ। तिलक को जनता की मुस्लिम विरोधी भावना को उकसाने का अवसर मिल गया। तिलक ने मीटिंग में बड़े जोश से मुस्लिमों को हिंदुओं का कट्टर शत्रु कहा। इस तरह तिलक के खिलाफ सरकार के षड्यंत्र का दौर जारी रहा। तिलक ने 1896 से 1897 में पूना सार्वजनिक सभा के युवा कार्यकर्ताओं की मदद से महाराष्ट्र में कोई टैक्स नहीं अभियान चलाया। उन्होंने किसानों से अपील की कि अगर अकाल के कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई हों तो वे भू राजस्व या लगान कतई अदा न करें। 1897 में जब पुणे में प्लेग फैला तो रैंड के सिपाही कहीं भी बिना किसी इजाजत के चले जाते और संक्रामक कीटाणुओं के नाम पर लोगों के कपड़े जला दिए जाते, घर का सामान तहस नहस कर देते, मंदिरों में घुसकर मूर्तियां अपवित्र कर देते।
तिलक ने केसरी में लिखा, सैनिकों ने मंदिरों को अपवित्र किया तथा छोटी बड़ी चीजें जेबों में डाली। हम उन्हें नहीं रोक पाए। हमारी स्थिति ऐसी है कि सरकार अत्याचारी हो जाए तो भी हम उसे दंड नहीं दे सकते। सरकार ने लोगों पर एक ऐसा टीका लगाने के लिए जोर डाला जो अभी तक प्रमाणित नहीं था। तिलक ने केसरी के माध्यम से लोगों को आगाह किया। आखिरी में सरकार को घोषणा करनी पड़ी कि टीका लगाना अनिवार्य नहीं है। सरकारी अफसरों के रवैये के प्रति जनता में जबरदस्त गुस्सा था और यह गुस्सा फूटा 27 जून 1898 को, जब चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड व लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी। रैंड की हत्या को लेकर तिलक पर आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की है। सरकार ने इस हत्या के लिए तिलक को जिम्मेदार ठहराने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह तिलक के खिलाफ कोई सबूत न जुटा सके। अतः सरकार ने जल्द फैसला किया कि तिलक को आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि वह लोगों में सरकार के प्रति नफरत फैला रहे हैं। 27 जुलाई 1897 को तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश स्ट्रेची की अदालत में मुकदमा चला। जूरी में 6 यूरोपीय व 3 भारतीय सदस्य थे। तिलक पर जो आरोप लगाए गए थे उनके लिए केसरी के 15 जून के अंक में छपी दो सामग्रियों, शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या का औचित्य सिद्ध करना व एक कविता शिवाजी के उद्गार को आधार बनाया गया। शिवाजी के उद्गार में तिलक ने लिखा था, शिवाजी वर्तमान युग में फिर पैदा हो गए हैं और अपने देशवासियों से कह रहे हैं, उफ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं अपने देश की तबाही। हमारे देश से लक्ष्मी को विदेशी अपने करों से खींचे लिए जा रहे हैं। पापी अकाबाया अपने साथ अकाल को लेकर सारे देश भर में बर्बादी मचा रहा है, और यह सब देखते हुए भी कैसे यह सारे राजा जनाने बने बैठे हुए हैं, शतरंज के मोहरों की तरह निरीह। कुछ दोस्तों के द्वारा तिलक पर दबाव डाला गया कि वह अपने भाषण में कहे गए कुछ आपत्तिजनक शब्द वापस ले लें और माफी मांग लें। तिलक ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया, लोगों के बीच मेरी स्थिति इस पर निर्भर करती है कि मेरा चरित्र क्या और कैसा है। उनका लक्ष्य यह है कि पूना के नेताओं को किसी तरह बेइज्जत कर कुचल दिया जाए, लेकिन कम से कम मेरे मामले में वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि हम सब जनता के सेवक हैं। अगर इस नाजुक घड़ी में हम साहस से काम नहीं लेंगे तो इसका मतलब होगा जनता के साथ विश्वासघात। तिलक को मुकदमे में 6/3 मतों से अपराधी ठहराया गया। तीनों भारतीय सदस्यों की राय में तिलक ने कोई अपराध नहीं किया था, किंतु यूरोपियों के इरादे कुछ और ही थे। उन्हें 18 महीने की कड़ी सजा सुनाई गई। तिलक को सजा देने का जबरदस्त विरोध हुआ। प्रेस की आजादी पर हुए हमले के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। कई राष्ट्रीय अखबारों ने तिलक की सराहना की। लंदन में एक सभा में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने कहा, ब्रिटिश सरकार अब प्रशासन के रूसी जारशाही तरीके अपनाने लगी है। प्रेस का गला घोटने का नतीजा उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। इस तरह तिलक रातों रात अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए। लोगों ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। तिलक की छवि एक ऐसे नेता की बनी जिनकी कथनी व करनी में कोई फर्क न था। वर्ष 1897 में अमरावती के कांग्रेस अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बहुत भावुक होकर तिलक के संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें सजा मिलने पर आज सारा देश रो रहा है, तो सारे लोग तिलक के सम्मान में खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट से काफी देर तक हॉल गूंजता रहा। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के दौरान तिलक ने लिखा, लॉर्ड कर्जन पूरे देश में रावण की तरह बेकाबू होकर अकेला नाचना चाहता है। वह किसी मदमस्त हाथी की तरह बंगाली राज्य के जनमत को पांव तले घास की तरह रौंदता जा रहा है। वह यह नहीं जानता
कि यदि इस घास की रस्सी बना दें तो इससे हाथी भी बन जाएगा। हजारों का जन समुदाय यदि एक निश्चय से ना बंधा हो तो सब व्यर्थ है। लोकमत की शक्ति किसी समुदाय या संस्था में नहीं अपितु निश्चय में होती है। वर्ष 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ। इस अधिवेशन में तिलक चाहते थे कि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए, किंतु नरम दल रास बिहारी घोष के पक्ष में थे, अतः तिलक को इसमें सफलता नहीं मिली। सूरत अधिवेशन में जैसे ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की तो हल्ला होने लगा। बात इतनी बिगड़ गई कि वहां जूते और कुर्सियां चलने लगी। परिणाम स्वरूप कांग्रेस में फूट पड़ गई। तिलक को इस घटना से बड़ा खेद हुआ। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर चले आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने फिर दमन चक्र चलाया। 1908 की शुरुआत में सरकारी अफसरों पर बमों से हमला किए जाने की वारदातें हुईं। सरकार के छक्के छूट गए। उसने फिर अखबारों को निशाना बनाया। ऐसे माहौल में यह मुमकिन ही नहीं था कि तिलक की खबर ना ली जाए। भारतीय संघर्ष में बमों के प्रवेश पर तिलक ने लेखमाला लिखी। उन्होंने व्यक्तिगत हत्या व हिंसा की निंदा की। उन्होंने इस प्रवृत्ति को जहरीला पेड़ कहा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी लिखा, सरकारी अफसर जब बिना किसी कारण के लोगों को आतंकित करने लगे और जनता को तरह तरह से डरा धमका कर उसमें निराशा फैलाने की कोशिश करने लगे, तब बम की आवाज़ अफसरों को और सरकार को सच्चाई से आगाह कराती है कि लोग निस्तेज व निर्जीव बैठे रहने और दमन व शोषण को बर्दाश्त करते रहने की सीमा से आगे बढ़ चुके हैं और अब वे कुछ करना चाहते हैं। सरकार को भला ये बातें क्यों रास आती। उसने फिर 24 जून 1908 को तिलक को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया। तिलक के एक मित्र पुलिस अफसर ने उन्हें आगाह किया था कि वह गिरफ्तार किए जाने वाले हैं, इसलिए होशियार हो जाएं। यह सुनकर तिलक हंस पड़े और अपने मित्र से कहा, सरकार ने तो पूरे देश को ही एक विशाल जेल में बदल कर रख दिया है। हम सभी लोग कैदी ही तो हैं। हाँ, जेल जाने का मतलब सिर्फ यह होगा कि आप एक बड़े कमरे से एक छोटी कोठरी में पहुंचा दिए गए हैं। 22 जुलाई 1908 को तिलक को 6 साल की सजा सुनाकर देश से निष्कासित कर दिया गया। उस दिन बंबई के सारे बाजार बंद रहे और एक हफ्ते तक यह बंदी जारी रही। मांडले जेल में रहते हुए तिलक ने 2 नए ग्रंथों गीता रहस्य व द आर्कटिक होम रचना की। तिलक मांडले से रिहा होकर 1914 में भारत आए। रिहा होते ही तिलक ने फिर राष्ट्रीय हित के लिए काम करना शुरू कर दिया। पूना की एक सभा में भाषण देते हुए तिलक ने कहा, मेरा देश से 6 साल का निष्कासन मेरे देश प्रेम की परीक्षा थी। मैं स्वराज्य के सिद्धांत को नहीं भूला हूँ। इसके कार्यक्रमों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, ये पहले की तरह ही क्रियान्वित रहेंगे। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने जेल से बाहर आकर 1916 के लखनऊ पैक्ट द्वारा कांग्रेस के दोनों दलों व मुस्लिम लीग से देश हित में समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन वह आगे चलकर सफल न हो सका। 1916 में तिलक एनी बेसेंट द्वारा चलाए जा रहे होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ गए, जिसका उद्देश्य स्वराज्य प्राप्ति था। यह आंदोलन 2 वर्षों 1918 तक चला। 1919 में हुए जलियावाला बाग हत्याकांड की तिलक ने मुखर शब्दों में आलोचना की व आंदोलन को जारी रखने की अपील की। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और इसी दिन महान क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता तिलक जी का देहावसान हो गया। लोकमान्य तिलक एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महापुरुष थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, प्रख्यात लेखक व वकील होने के साथ साथ भारतीय इतिहास, खगोल विज्ञान, धर्म व गणित आदि विषयों के भी ज्ञाता थे। वे कर्तव्य पालन को श्रेष्ठ मानते थे। वे अक्सर कहते थे, आपके लक्ष्य की पूर्ति स्वर्ग से आई किसी अदृश्य शक्ति से नहीं हो सकेगी। आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, जिसके लिए कार्य करने व कठोर श्रम करने के दिन यही हैं।
इसी तरह लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध जागरूक करने हेतु वे कहते हैं, मनुष्य का प्रमुख लक्ष्य भोजन प्राप्त करना ही नहीं है, एक कौवा भी जीवित रहता है और जूठन पर पलता है। कर्म के रास्ते पर गुलाब जल नहीं छिड़का होता है और ना ही गुलाब उसमें उगते हैं।